नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण को लेकर याचिका जो थी वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर डाली गई थी। अभी उसके ऊपर वर्डिक्ट आया है, स्प्लिट वर्डिक्ट आ चुका है, यानी कि दो जज थे, उन्होंने अलग अलग निर्णय दिया है, जिसके कारण ये मुद्दा अभी भी कोर्ट के अंदर है। अभी बड़ी जज बेंच के पास जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये अपील जा सकती है। खैर, ये वैवाहिक बलात्कार होता क्या है, ये तो सबसे पहले सुनते ही काफी सारे लोग जो हैं वो इससे एक तरीके से अपना अलग ही मत लगाने बन जाएंगे कि कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की बात होती है, यहाँ पे पुरुषों की बात होती ही नहीं है। तो अपना ये ओपिनियन बनाने से पहले एक बार पूरी वीडियो आराम से तसल्ली से देखनी है। फिर ये एक बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव और एक सीरियस इशू है। इसको ऐसे ही नहीं कि आप बैठे और आपने सुनते सुनते अपना निर्णय बना दिया। इसके ऊपर सच में बहुत ज्यादा डिस्कस होने की जरूरत है और इसका कोई ना कोई समाधान निकालने की भी जरूरत है हमें, क्योंकि वैवाहिक बलात्कार जैसे बढ़ रहे हैं, इसके मामले सामने आ रहे हैं, महिलाओं को जैसा सहना पड़ रहा है, वास्तव में इसके ऊपर कानून बनना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो रहा है। और एट द सेम टाइम जैसे मिसयूज किया जा रहा है सेक्शन 498 का, उसका भी हम देखने वाले हैं। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ भी लिखना ना पड़े, आराम से आप इस मुद्दे को सुने। और सीरियस होके सुनना है, कोई भी ऐसे अपने दिमाग में थॉट लेके नहीं आने कि अरे ये तो महिलाओं की बातें हो रही हैं, पुरुषों की नहीं हो रही, सब चीजों की यहां पर बातें होंगी। खैर देखिए, अभी जैसे मैंने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने आईपीसी में वैवाहिक बलात्कार को प्रदान किए गए अपवाद यानी एग्जम्पशन, उसको चुनौती दी गई थी याचिकाओं में विभाजित, उसके ऊपर एक निर्णय आया। मतलब कि देखिए 375 सेक्शन 375 का क्लोज या एग्जम्पशन नंबर 2 आता है, उसमें क्या कहा गया कि एक मैरिड कपल है, मैरिड कपल में अगर पुरुष ने अपनी वाइफ से बिना पूछे अगर उससे संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो वहां पर वो बलात्कार की कैटेगरी यानी रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये छूट दी जाती है उसको इस एग्जम्पशन के तहत। और इस एग्जम्पशन के खिलाफ याचिकाएं डाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और इसकी सुनवाई हो रही थी, और इसकी सुनवाई पर दो जज थे, उन्होंने अपने अलग अलग निर्णय दे दिए। एक ने कहा कि ठीक है, हम इस एग्जम्पशन को हटाना चाहते हैं, और एक ने कहा नहीं, हम तो इसे रखना चाहते हैं। तो यानी इसके ऊपर स्प्लिट वर्डिक्ट आने के कारण ये मुद्दा अभी आगे बड़ी बेंच के पास जाएगा, या हो सकता है वो हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है। खैर, उम्मीद करता हूं कि मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। खैर, आगे चलते हैं। देखिए, जो विभाजित निर्णय हुआ है उसके मामले की सुनवाई अब बड़ी पीठ के द्वारा की जाएगी। अब देखिए, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी अभी फिलहाल यहां पर दो, तभी तो एक ओड बेंच बिठाया जाता है कि कहीं पर भी एक निर्णय जो है वो इक्वल ना आ जाए कि एक जज यहां हो गए, एक जज यहां हो गए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। एक ओड बेंच बिठाया जाता है, यानी 3 का 5 का 7 का ऐसे चलता है। अब यहां पर 2 जज थे, अब 2 जज ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, अलग अलग दे दिया, कोई यहां पर वर्डिक्ट निकल के नहीं आया, जिसके कारण क्या है, अब ये 3 बेंच के पास जाएगा। एट द सेम टाइम अगर 3 बेंच से कुछ नहीं हो रहा, फिर ये अगली 5 बेंच के पास, अगर इसमें निर्णय कुछ ऐसा आता है उसके खिलाफ सुनवाई होती है, वो 7 बेंच के पास जाएगा। यानी जितना बेंच बैठा होता है पहले, उससे बड़े बेंच के पास जो है वो मुद्दा जाया जाता है, यही क्राइटेरिया चलता है हमेशा। ओके, अब क्या है कि जिस बड़ी पीठ द्वारा विभाजित निर्णय दिया जाता है उससे संबंध में सुनवाई उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जा सकती है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास भी ये अपील कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये मुद्दा क्या है, व्हाट वाज द केस अबाउट। देखिए, अदालत में सेक्शन 375 अपवाद यानी एक जो एग्जम्पशन दी गई है, संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 4 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। यहां पर इसके खिलाफ ये जो एग्जम्पशन नंबर 2 है, सेक्शन नंबर 375 का एग्जम्पशन नंबर 2, इसके खिलाफ 4 याचिकाएं डाली गई थी, और कहा गया था कि आप इसे बंद कर दीजिए, आप इसे स्टक डाउन कर दीजिए। याचिकाकर्ता चाहते थे कि जो ये एग्जम्पशन है इसको पूरी तरह से इस आधार पर समाप्त कर दिया जाए कि ये जो अपवाद है, ये जो एग्जम्पशन है, ये जो छूट आप दे रहे हो, वैवाहिक महिलाओं के, विवाहित महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 15, मतलब कि आर्टिकल 14 हो गया इक्वल बिफोर लॉ, या फिर हम बात करें
जहां पर आपको शारीरिक स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन, सभी का ये उल्लंघन कर रहे हैं एग्जम्पशन नंबर 2 सेक्शन 375 का। तो कहा कि इसको आप बंद करिए। फैसला सुनाते समय न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा सेक्शन 375 का एग्जम्पशन नंबर 2 को खारिज कर दिया जाए, लेकिन दूसरे न्यायाधीश ने इसकी वैधता को बरकरार रखा। एक कह रहे हैं कि हाँ हम इसे बंद करना चाहते हैं, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं भैया हम नहीं बंद करेंगे। अभी आप रीजन भी सुनिए, ऐसा नहीं है कि आप फर्दनी से रीजन पे पहुंच जाएंगे। बकायदा रीजन है, पढ़े लिखे लोग हैं, ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बैठकर बातें हुई हैं, तो यहां पर निर्णय निकल कर आया है। इनके निर्णय भी आएंगे, पक्ष भी सुनेंगे, विपक्ष भी चुनेंगे हम इनके ऊपर, क्लियर। अब यहां पर भावुक नहीं हो जाना है कि महिलाएं ही हैं क्या, पुरुषों का नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, वैवाहिक बलात्कार एक बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव इशू है। आप इसके ऊपर अगर बात करने जाते हैं तो एक बार सोच कर देखिए, आपकी बहन या फिर आपके परिवार में से कोई बच्ची जिसकी शादी होती है, तो उसके साथ अगर ऐसी हरकतें की जाती हैं, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट ये चीजें उनके समझ में आने होती हैं जो कभी भी मतलब ऐसे समझना ही नहीं चाहेंगे कि यार सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की बात हो रही। आप अपने परिवार की महिला का एक बार उदाहरण लेकर देखिए, आपको समझ में आएगा कितनी पीड़ा होती है। तो यहां पर इसको आप अगर ऐसे समझाना चाहूं, आपका पेट भरा हुआ है और आपके मुंह में जबरदस्ती अगर खाना ठूसा जाए तो आपको क्या वो अच्छा लगेगा? तो ये वाली चीज ऐसे आती है। मैं वहां पर पढ़ाई के मामले में हूं, मर्यादा में बंधा हुआ हूं, इसलिए वो चीजें नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ कर दे, इसको सोचिए जरा, आपके मुंह में जबरदस्ती अगर खाना ठूस दिया जाए, जबरदस्ती आपको खिलाया जाए, तो आप क्या खा लेंगे? क्या आपका मन करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा ना वहां पे। तो उस चीज को आपको समझना है। खैर, अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की सेक्शन 375। जो आईपीसी की जो सेक्शन 375 है वो है क्या? एक्चुअल में ये बलात्कार को डिफाइन करती है, एक मैन के द्वारा जो रेप किया जाता है उसको डिफाइन करने वाली है। और इसके अंदर दो अपवादों को मतलब दो एग्जम्पशन दी गई है, दो तरीके की छूट दी गई है। एक तो वैवाहिक बलात्कार हो गया, उसके अलावा चिकित्सा प्रक्रियाओं या हस्तक्षेप को बलात्कार नहीं माना जाएगा, ओके। और सेक्शन 375 का सेक्शन नंबर 2 में कहा गया, किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग या यौन एक्ट यदि पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं है, उसको बलात्कार यानी रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। पहले ये 10 साल हुआ करती थी, 1940 के अंदर इसको बढ़ाकर 15 ईयर कर दिया गया है, क्लियर। अब बात करते हैं कि हमारे देश में वैवाहिक बलात्कार के कानून का इतिहास क्या है। एक आता है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इसमें बोला गया कि लिव इन या विवाह संबंध से किसी भी प्रकार के यौन संबंध द्वारा वैवाहिक बलात्कार का संकेत देता है। देखिए, इसमें बोला गया था कि ये केवल नागरिक उपचार प्रदान करता है, ये वाला जो घरेलू हिंसा अधिनियम है 2005, यानी सिविल रिमेडीज है। इसके अंदर कोई आप वैवाहिक बलात्कार पीड़ितों के लिए अपराधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का कोई तरीका नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्ष 2017 में इस मामले में दलीलें सुनता आ रहा है। अब का मामला नहीं, आप सोचें 2022 में क्या रातों रात ही आ गया, भाई बहुत पुराना है 2017, इससे पहले भी काफी टाइम से इसके ऊपर दलीलें चलती रही हैं, पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस हुई है, लॉ कमीशन ने भी अपनी सिफारिशें दी हैं, काफी सारी कमिटीज बनाई गई हैं। अब का नहीं है ये, बहुत टाइम से चलता आ रहा है। हालांकि देश में पहली बार, जब देश में वैवाहिक बलात्कार का मुद्दा उठाया गया, पहली बार नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए लॉ कमीशन, देखिए इस वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को हटाने की आवश्यकता भारत के लॉ कमीशन ने वो 2000 में ही खारिज कर दिया गया था। जबकि बात करें यौन हिंसा को लेकर भारत में कानून सुधार के कई प्रस्तावों पर विचार किया गया था, लेकिन यहां पर वैवाहिक बलात्कार को हटा दिया गया था। न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति, 2012 में न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति ने भारत के बलात्कार कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव देने का काम सौंपा गया था इनको। इनकी कुछ सिफारिशों ने वर्ष 2013 में पारित आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम को कुछ आकार देने में मदद की थी, शेप दिया था यहाँ पे, जबकि वैवाहिक बलात्कार सहित कुछ सुझावों पर कार्रवाई ही नहीं की गई। इन्होंने कहा था, जे एस वर्मा समिति ने, आप वैवाहिक बलात्कारों को गैर कानूनी मतलब कि एक तरीके से इसको हटा दीजिए, लेकिन एक तरीके से इसको सुझाव यानी कार्रवाई ही नहीं की गई, इनको साइड में कर दिया गया था। अब यहां पर देखिए, मैरिटल रेप पर 2013 में जे एस वर्मा कमेटी की जो सरकार को सलाह दी गई थी, रेप के कानून में मैरिटल रेप को अपवाद से हटाकर गैर कानूनी किया जाए, रेप के आरोपी की सजा पति होने की वजह से कम नहीं होनी चाहिए,
रेप केस में आरोपी और पीड़िता के बीच संबंधों को बचाव का आधार नहीं माना जाइए माना जा सकता। तो ये सारी सिफारिशें जो है जेएस वर्मा के द्वारा की गई थी, इनको खारिज कर दिया गया था या फिर हटा दिया गया था, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। अब बात करते, देखिए अगस्त 2021 में 3 मैरिटल रेपों के ऊपर फैसले आए थे, केरल, मुंबई, छत्तीसगढ़, तीनों में बाइज्जत बली है। मैरिटल रेप क्रूरता है, तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन यहां पर सजा नहीं दी जाएगी। पत्नी की इच्छा के बिना सेक्स गैर कानूनी नहीं है। यहां पर बात करें, आरोपी पति को बरी किया गया, मैरिटल रेप अपराध नहीं है। तो यहां पर ऑब्वियसली 2021 पुराने आंकड़े भी नहीं है, ताजा ताजा ही आंकड़े हैं आपके सामने। अब संसद में यह विषय उठाया गया, संसद में भी मुद्दा उठाया जा चुका है। वर्ष 2015 में संसद एक सत्र के दौरान सवाल पूछे जाने पर कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की घोषित करने के जो विचार पर इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि देखिए वैवाहिक बलात्कार को अगर अपराध घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि शादी भारतीय समाज का एक संस्कार या फिर एक अति पवित्र परंपरा है, अगर इसको वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकरण कर दिया जाएगा तो हर घर जो है जो एक कमरे में एक प्राइवेट चीजें जो है उनके बीच में प्राइवेट चीज जो है वो एक तरीके से खुल के सामने आने लगेंगी और रिश्ते जो है वो वहां पर टूटने लगेंगी, शादियां जो है वो टूटने लगेंगी। एट द सेम टाइम फिर वही एक आर्ग्यूमेंट आता है कि शादियां टूटने से बचाने से मतलब कि अगर शादियां बचानी है तो इसका मतलब क्या महिलाएं ही सहती रहे, तो यहां पर तर्क वितर्क चलते रहते हैं। तो मैंने कहा ना ये एक काफी ज्यादा इसके ऊपर बहस एक डिबेट होने वाला एक इशू है और इसके ऊपर कोई ना कोई एक नियम बनना चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए। हमारे ऑब्वियसली मैंने कहा ना 498A इसका काफी ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। खुद एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि जितने सही नहीं है उससे कहीं ज्यादा तो गलत केस लगाए गए हैं महिलाओं के द्वारा। तो सारी चीजें हो रही हैं, सबको खंगाला जा रहा है। अब बात करते हैं, देखिए वैवाहिक बलात्कार अपवाद भारतीय दंड संहिता आईपीसी, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से बात कर लेते हैं। 1860 के अंदर क्या था, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में आईपीसी को लागू किया गया था, 1860 के अंदर लागू किया गया था आईपीसी को। नियमों के पहले संस्करण के तहत वैवाहिक बलात्कार जो है वो एग्जम्पशन यहाँ पर 10 साल, मैंने कहा ना 10 साल पहले होती थी, 10 साल की मतलब की जो अगर उम्र है महिलाओं की, अगर इनको मतलब वहां नहीं माना जाता था बलात्कार, लेकिन इसको बढ़ा के 15 साल कर दिया गया था। अब यहां पर एक 1847 में लॉर्ड मैकॉले का ड्राफ्ट तैयार गया था। 2022 जनवरी 2022 में न्याय मित्र एमिकस क्यूरी कहते हैं जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट होता है, उनके द्वारा यह तर्क दिया गया था कि आईपीसी जो है वो एक औपनिवेशिक युग भारत में स्थापित किया गया, जो फर्स्ट लॉ कमीशन आयोग ड्राफ्ट तैयार किया गया था लॉर्ड मैकॉले 1847 में, उस पर आधारित है। हम कितने पुराने कानून को मान रहे हैं इन्होंने कहा था, और इन्होंने कहा था इस ड्राफ्ट में बिना किसी आयु सीमा के वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया। यानी यहां पर तो फिलहाल इन्होंने 15 साल मान रखा है, यहां पर तो कोई उम्र मानी नहीं। तो इन्होंने कहा कि ये क्या चल रहा है यहां पर। इसके अलावा यह एक प्रावधान सदी पुराना विचार है जिसका तात्पर्य वैवाहित महिलाओं की सहमति से है जो पति के वैवाहिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब यहां पर सहमति जो कंसेंट है ये विचार जो 1736 में तत्कालीन उस वक्त ब्रिटिश जो ब्रिटिश के चीफ जस्टिस हुआ करते थे मैथ्यू हेल के द्वारा दिया गया था, इसे हेल सिद्धांत कहा जाता है। इसमें कहा गया था कि पति बलात्कार का यानी रेप का दोषी नहीं हो सकता क्योंकि आपसी वैवाहिक सहमति और अनुमति द्वारा पत्नी ने पति के समक्ष अपने आप को समर्पित कर दिया है। फिर एक पति आश्चर्य का सिद्धांत आता है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इस डॉक्ट्रिन के अनुसार शादी के बाद एक महिला की कोई व्यक्तिगत कानूनी पहचान नहीं होती है। विशेष रूप से पति यानी जो सिद्धांत है जो डॉक्ट्रिन है विषय पर सुनवाई के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में व्यभिचारी यानी एडल्ट्री को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। यहां पर अपराध कर दिया गया था, अपराधीकरण में ला दिया था उसको, और यह माना गया था कि सेक्शन 497 जो एक एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी में लाता है यानी इस डॉक्ट्रिन का सिद्धांत पर आधारित है। और यह सिद्धांत संविधान मान्यता इसमें कहीं पर भी इस सिद्धांत को संविधान में मान्यता नहीं दी गई है। जो यह मानता है कि एक महिला शादी के साथ अपनी पहचान और कानूनी अधिकार खो देती है परंतु उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है यहां पर। तो एक सिद्धांत आपको ध्यान में रखना ही है। ओके, अब बात करते हैं सरकार का पक्ष क्या। देखिए सरकार ने शुरुआत में तो बलात्कार के जो अपवाद जो एग्जम्पशन है इसका बचाव किया था, लेकिन बाद में अपना रुख बदल लिया और कहा कि देखिए हम इसकी रिव्यू कर रहे हैं इस कानून का और इस पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श की आवश्यकता है। और दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं कहा था कि
वैवाहिक बलात्कार के एग्जम्पशन को बरकरार रखा जाए, क्योंकि इससे शादियां टूट सकती हैं, काफी सारी महिलाएं जो हैं वो इस कानून का दुरुपयोग कर सकती हैं। अब बात करें, देखिए भारत में मैरिटल रेप पर सरकार और कोर्ट क्या कहते हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। जुलाई 2021 में केरल हाई कोर्ट ने मैरिटल रेप पर अपराध मानने से इनकार कर दिया था, हालांकि इसे तलाक का वैध कारण मान लिया गया था। लेकिन अगर कर्नाटक हाईकोर्ट की बात माने तो पति शासक नहीं हो सकता। इन्होंने कहा था कि यह सदियों पुरानी सोच है, परंपरा है कि पति उसका शासक होता है। विवाह किसी भी तरीके से महिला को पुरुष के अधीन नहीं करता। संविधान में सबको सुरक्षा का सम्मान का अधिकार है, यह कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोली थी। तो आपको ये सारी चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अलग अलग हाईकोर्ट है, उनके अलग अलग निर्णय आ रहे हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के भी अलग निर्णय आ रहे हैं। 2017 में केंद्र सरकार ने कहा था कि मैरिटल रेप का अपराधीकरण भारतीय समाज में विवाह की व्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। अब यहां पर बात करते हैं विश्व वैश्विक स्तर पर वैवाहिक बलात्कार की क्या क्या स्थिति है। वैश्विक स्थिति जाने तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़ों के अकॉर्डिंग बात करते हैं। 185 देशों में से 77 देशों में क्या है कि देश कानून के माध्यम से वैवाहिक बलात्कार को अपराध माने हुए हैं। 77 देश, 42%। बाकी जो बच गए उन्होंने जो है वो एक तरीके से कहीं इसका कहीं उल्लेख नहीं है, स्पष्ट रूप से बलात्कार के कानून के दायरे में बाहर रखा गया, यानी दोनों ही यौन हिंसा का कारण बन सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा था कि देशों में कानून को व्याप्त खमियों को दूर करके वैवाहिक बलात्कार को समाप्त करके करने का आग्रह करते हुए कहा था कि घर महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। ये संयुक्त राष्ट्र ने बात बोली थी। अब बात करते हैं कि वैवाहिक बलात्कार की अनुमति देने वाले देश कौन कौन से। घाना हो गया, भारत, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लेसोथो, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया स्पष्ट रूप से किसी भी महिला के पति को वैवाहिक बलात्कार की अनुमति देते हैं, और जिन्होंने वैवाहिक बलात्कार की शिकायत दर्ज करने की अनुमति दे रखी है उनमें देखिए 74 देशों में महिलाओं को अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अनुमति देते हैं। वहीं 185 में से 34 देशों में से ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एक दर्जन से देश बलात्कारियों द्वारा पीड़ितों की से शादी करके मतलब एक तरीके से एक ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं, जिन्होंने रेप किया उसी से उसकी शादी करवा दो, हो गया समझौता। इस तरीके के भी एक दर्जन से देश है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले सोवियत संघ 1992 के अंदर इन्होंने मैरिटल रेप घोषित कर दिया था कि मैरिटल रेप है वो एक अपराध है, और उसके बाद जो है पोलैंड आया था, ब्रिटेन ने 1991 में, अमेरिका ने 1993 में 50-50 जो इस यहां पर जो राज्य है उन्होंने कहा था कि हम इसको मैरिटल रेप को अपराध की यानी क्राइम में घोषित करते हैं। 2019 तक दुनिया के 150 देश मैरिटल रेप क्राइम को घोषित कर चुके हैं। भारत समेत देश के केवल 34 देशों में से मैरिटल रेप जो है वो अपराध नहीं है। अब वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानने से संबंधित मुद्दे एक बार आ जाते हैं। देखिए महिलाओं के मूल अधिकारों के खिलाफ है ये। आर्टिकल 21 की बात कर लूं, आर्टिकल 14 की बात कर लेते हैं, तो एक महिला की खुद की गरिमा है, खुद की एक वहां पर इंटीग्रिटी, डिग्निटी सब है, एक गरिमा, लैंगिक समानता, इन सब को एक तरीके से साइड में कर दिया गया इस सेक्शन 375 के एग्जम्पशन नंबर 2 ने। तो यहां पर यह महिलाओं को अपने शरीर से संबंधित निर्णय लेने से दूर करता है और उन्हें एक साधन के रूप में प्रस्तुत कर देता है कि वो ऑब्जेक्ट बना दिया महिला को यहां पर कि हाँ भाई अगर किसी का मन नहीं है, पति का मन है तो भाई वो तो करेगा, इसको यहां पर महिला मना नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ना एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव और एक बहुत सीरियस इशू बन जाता है हमारे सामने। और इवन आप यहां देखेंगे ना तो भूटान ने भी भैया इसको क्रिमिनलाइज कर रखा है, मतलब वैवाहिक बलात्कार को। अब न्याय प्रणाली की काफी ज्यादा कमजोर स्थिति हमें देखने को मिलती है। देखिए भारत में वैवाहिक बलात्कार के मामलों में अभियोजन की कम दर कुछ कारणों से मतलब क्यों कम है, केसेस क्यों कम आ रहे हैं। रीजन है कि सोशल कंडीशनिंग, कानून की जागरूकता बहुत कम है लोगों को। दूसरी यहाँ पर NCRB के आंकड़े जो हैं जिन्होंने ऐसे डेटा कलेक्ट किए हैं वो बहुत गलत तरीके से इन्होंने किए हैं, इनके पास सही ढंग से डेटा कलेक्ट करने नहीं आ रहा इनको, ऐसा खुद बोला गया है। अब न्याय की लंबी प्रक्रिया है, यानी बहुत एक लंबा प्रोसीजर गुजरना पड़ता है, तो बाहर कोर्ट के बाहर ही जो है वो एक तरीके से सेटलमेंट हो रहे हैं वहां पर, तो एक ये भी रीजन आता है हमारे सामने। मैरिटल रेप की यहाँ पर आपके सामने 1932, 1970, 1986, 2000 नेपाल में भी मैरिटल रेप को अपवाद की श्रेणी से हटाकर अपराध की श्रेणी में डाला गया। तो आप देख सकते हैं काफी सारे जो देश हैं इन्होंने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में डाल रखा है। यहाँ पर पत्नी की सहमति के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करना मैरिटल रेप, 77 देशों में मैरिटल रेप को अपराध कानून,
ये सारी चीजें जो है मैंने आप लोगों को पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा देनी है। फिर से बता देता हूँ, पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे की राह क्या हो सकती है, सिंपल है कि भारत कानून अब पति पतियों और पत्नियों को अलग अलग एक स्वतंत्र कानूनी पहचान प्रदान करता है तथा आधुनिक युग में न्याय शास्त्र स्पष्ट रूप से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। तो यह सही समय है कि इस कानूनी दुर्बलता का संज्ञान लेते हुए आईपीसी की जो धारा 375 है, खुद विधायिका यानी पार्लियामेंट इसको हटाए और इसके अंदर संशोधन करें और यहां पर वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार के कानूनों के दायरे में लाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा सेशन आपने अच्छे से सुना होगा सॉरी, और ये आपको समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, इसको लोगों तक पहुंचाएं और जागरूक बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।